वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस मूवी में एक टेसा नाम की लड़की के बारे में देखेंगे, जिसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो कि प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उस लड़के के अलावा टेसा का पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है जिसे कि टेसा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। अब ऐसा क्यों, यह तो आपको मूवी में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पर आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम टेसा को उसके मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जिसका नाम नोवा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसा का हाई स्कूल खत्म हो चुका है और वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाना चाहती है, लेकिन इस बात को लेकर उसकी मॉम बहुत परेशान है, इसलिए वह नहीं चाहती कि टेसा यहाँ से जाए। लेकिन टेसा आखिरकार अपनी मॉम को मना ही लेती है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन से ही वह वही करते आ रही है जो उसकी मॉम उससे करने को कहती है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ने उसके लिए बॉयफ्रेंड खोजा था। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड पहले उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब वह उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ करने जा रही थी और इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद जब उसकी मॉम और नोवा उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी मॉम को उसके रूममेट्स पसंद नहीं आते और इसलिए टेसा की मॉम उसे कहती है कि तुम अपना रूम चेंज कर दो। मगर टेसा अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है कि वह बस यहाँ पढ़ाई पर ध्यान देगी, इसके अलावा और किसी भी चीज़ में नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वापस जाते टाइम नोवा काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि पहली बार वो टेसा से दूर हो रहा था। अब अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम लंडन होता है। पहले दिन से ही उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी पसंद होता है, लेकिन उसे जॉब के लिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब टेसा नहाकर अपने रूम में वापस आती है, तो वह पहली बार हार्डिन को देखती है। दरअसल हार्डिन और टेसा की रूममेट स्टेफी आपस में दोस्त होते हैं, जो कि उसे उसके पार्टी में लेने आया था। यहाँ पर स्टेफी टेसा को भी उस पार्टी में जाने के लिए कहती है, मगर टेसा उसे मना कर देती है। टेसा को पढ़ाई करना काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए वह बाकी स्टूडेंट की तरह ज़्यादा इन्जॉय नहीं करती थी। इसके कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से टेसा को पार्टी में चलने के लिए पूछती है, लेकिन इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती और वह उसके साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं वह दोनों पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली पहले ही वहाँ मौजूद होते हैं। वो सारे लोग वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं, मगर टेसा वहाँ कुछ भी नहीं पी रही होती। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर फिर मॉली टेसा से पूछती है कि क्या तुमने आज तक कभी घपाघप किया है, पर टेसा इसका कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा अभी तक वर्जिन लड़की है। इसके बाद मॉली उसे डेयर देती है कि उसे यहीं पर हार्डिन को किस करना पड़ेगा। फिर हार्डिन उसे किस करने के लिए उसके करीब जा ही रहा होता है, लेकिन टेसा वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद बाहर आने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ फिर नोवा समझ जाता है कि वह किसी पार्टी में गई है, जिससे फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वह घूमते घूमते एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर काफ़ी सारे बुक पड़े होते हैं। वह उनको देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद यहाँ पर फिर से हार्डिन उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर टेसा वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद दूसरे दिन हम लोग देखते हैं किसी टॉपिक को लेकर हार्डिन और टेसा के बीच में बहस हो रही होती है, क्योंकि टेसा को प्यार में बिलीव होता है और हार्डिन इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। इसलिए फिर टेसा क्लास के बाद अपने दोस्त लंदन से मिलती है और उसे इसके बारे में बताती है। इस पर लंदन उसे बताता है कि हार्डिन काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब है और इसलिए वह ऐसा कर रहा है। दरअसल बात यह है कि हार्डिन के डैड और लंदन की मॉम आपस में शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था और हार्डिन की मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने डैड से काफ़ी नाराज है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वह दोनों कैफे में मिलते हैं, जहां उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हार्डिन उसे एक लेक के पास लेकर जाता है और वहां पर हार्डिन लेक में स्विमिंग करने लगता है और वह टेसा को भी पानी में स्विमिंग करने के लिए बुलाता है, लेकिन टेसा पहले तो उसे मना करती है, पर बाद में वह भी स्विमिंग करने के लिए चली जाती है और फिर वह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहीं पर वह दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि उसे धोखे में रखना सही नहीं होगा, लेकिन हार्डिन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता हूं। यह सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने रूम में वापस आ जाती है। वह हार्डिन को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हार्डिन उसके सपने में आने लगता है। अगले दिन हम नोवा को देखते हैं जो उससे मिलने आया था। टेसा उसे देख कर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर रात में नोवा और टेसा एक पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर एक लड़का टेसा के साथ मिसबिहेव करता है। तब हार्डिन वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को काफ़ी मारता है। इसके बाद भी रात में नोवा टेसा के साथ ही रुकता है और नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लंदन का मैसेज आता है
वह उसे अपने घर में आने के लिए बोलता है। फिर टेसा वहाँ पहुँच जाती है तो उसे पता चलता है कि लंडन और हार्डिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। वह बताता है कि हार्डिन की उसके डैड के साथ आज लड़ाई हुई, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा दुखी है। यह सुनकर टेसा उसके पास जाती है और उसे बात करने लगती है। फिर हार्डिन भी उसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद वह दोनों हार्डिन के रूम में जाते हैं और वहाँ पर फिर वह दोनों आगे क्या करते हैं यह तो आप समझ ही जाओ। अगले दिन टेसा हार्डिन के घर से निकल ही रही होती है तो वहाँ पर नोआ पहुँच जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी, तो टेसा उसे बताती है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुकी हुई थी। तो नोआ उससे पूछता है तुम्हारा कौन सा दोस्त है। इन दोनों में बहस हो ही रही होती है तभी वहाँ पर हार्डिन पहुँच जाता है। यह सब देख कर नोआ सब समझ जाता है और उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। टेसा इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो काफ़ी दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती। इसके कुछ दिनों बाद वह हार्डिन से मिलती है और उसे कहती है कि मेरी लाइफ में नोआ से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि नोआ को मेरी माँ ने सेलेक्ट किया है और तुम्हें मैंने, और अब मैं तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ। इसके बाद हार्डिन भी रिलेशनशिप के लिए मान जाता है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यह दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि बस एक दूसरे के बगैर रात को सो नहीं सकते। अब इन दोनों की लाइफ में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन जब वह दोनों टेसा के रूम में गपागप कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर टेसा की मॉम आ जाती है और वह उन दोनों को एक साथ देख लेती है। इसके बाद वह टेसा के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, मगर टेसा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। अब इस बात से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देने से भी मना कर देती है। इसके बाद हार्डिन टेसा को लेकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वह उसके साथ लिविंग में रहना चाहता था। और अब इसके बाद हार्डिन के डैड और लंडन की मॉम आपस में शादी करते हैं। इस पार्टी में हार्डिन टेसा को भी लेकर आता है जहां पर टेसा हार्डिन के डैड से मिलती है। फिर हार्डिन टेसा को बताता है कि वह अपने डैड से बहुत नफरत करता है क्योंकि जब वह बहुत छोटा था तो उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से उसकी मॉम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से वह अपने डैड से आज तक नफरत करता है। इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी रात पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है जिसे टेसा देख लेती है। वह हार्डिन से इन सब के बारे में पूछती है। हार्डिन उसे कहता है कि तुम इस मैसेज को इग्नोर कर दो, देखो मैंने उसे अभी तक रिप्लाई भी नहीं दिया। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और हार्डिन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। इसके बाद काफ़ी रात होने पर भी हार्डिन घर वापस नहीं आता। इस बात से टेसा काफ़ी परेशान हो जाती है और वह हार्डिन को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ उसे हार्डिन के कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि हार्डिन कहाँ पर मिलेगा। टेसा जब वहाँ पहुँचती है तब वह देखती है कि वहाँ पर स्टेफी और मौली पहले से ही मौजूद हैं। फिर स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम हमारे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रह रही हो, तो टेसा उनको बताती है कि मैं हार्डिन के साथ एक फ्लैट में रहती हूँ और हम एक लिविंग रिलेशनशिप में हैं। यह सुनकर मौली काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वह अभी भी हार्डिन को पसंद करती थी। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर मौली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वह उसे एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हार्डिन कह रहा होता है कि वह बहुत ही आसानी से टेसा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। टेसा जब इस वीडियो को देखती है तब वह रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकते हुए बोलता है कि यह बहुत पहले की बात है, तब मैं तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब मैं तुमसे सचमुच में प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और अगले दिन वह अपने घर चली जाती है जहाँ वह अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वह नोआ से भी मिलने जाती है और उसे भी सॉरी बोलती है, जिस पर नोआ फिर उसे माफ़ कर देता है। अब वह दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं और अब उसे एक जॉब भी चाहिए होता है, इसलिए वह हार्डिन के डैड के बताए हुए कंपनी में चली जाती है। वहां जाकर वह उस कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद वह कॉलेज वापस जाती है जहां उन्हें क्लास में ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। यहां पर हार्डिन टेसा के लिए एक लेटर लिखता है और सबमिट कर देता है। टीचर इस लेटर को देखकर टेसा को दे देती है। टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के किनारे आ जाती है जहाँ पर उन दोनों ने स्विमिंग किया था। उस लेटर में हार्डिन ने लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलने से पहले प्यार पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे प्यार पर बिलीव होने लगा है और अब मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यह पढ़कर टेसा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद फिर वहाँ पर हार्डिन आता है और टेसा उसे माफ़ कर देती है। अब इसके बाद उन दोनों के साथ आगे क्या हुआ यह हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।